Welcome to Jan Steno classes. नमस्कार दोस्तों, जय स्टेनो क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दीपक मीना। दोस्तों, हिंदी बेसिक सीरीज पार्ट वन के आखिरी अध्याय में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, ये जो आखिरी अध्याय है, इसके बाद में पार्ट टू आएगा, जिसमें मैं आपको शब्द चिन्ह वगैरह ये सब बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि हम इसको खत्म करने वाले हैं आज। गौर से देखिएगा, ठीक है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं औ की मात्रा, ठीक है। दोस्तों, आप इसको जोड़ भी सकते हैं आ की मात्रा को, ठीक है। और अलग भी लगा सकते हैं, चाहे तो अलग लगाएं, चाहे तो जोड़ लें, ठीक है। मैं दोनों हिसाब से बता रहा हूं आपको। मौन चौड़ा, ठीक है। अगर आप साथ में जोड़ते हैं तो साथ में जोड़ लीजिए, अलग लिखना चाहते हैं अलग लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तीन अक्षरों में देखिए, खट चौखट च म स, औ की मात्रा चौमासा और आ की मात्रा दोनों की यहां पर, ठीक है। रूप भी आ गया इ की मात्रा, ठीक है। शल, चौबे जी, एक की मात्रा जोड़ दीजिए, ठीक है। च पाया, आ की मात्रा औ की मात्रा, ठीक है। औसत, दोस्तों चार अक्षरों में देखिए, ठीक है। दोबारा बना देता हूं, मैं ल, मैं ल स र, ठीक है। औ की मात्रा, दोनों ही की मात्राएं जुड़ जाएंगी, ठीक है। पहले छोटी फिर बड़ी, जौनपुर, औ की मात्रा औ की मात्रा, ठीक है। पालक, ठीक है। दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग इनको लिखेंगे। अब कुछ इन्हीं शब्दों से मैंने लाइनें बनाई हैं, वो देखिए, कौड़ी कौड़ी से दौलत जुटती है, ठीक है। उसके बिछौने पर एक सौ रुपये पड़ी थे, ठीक है। ये हमारा आगे और है। तो दोस्तों, आज मैं इस चैप्टर को खत्म करने वाला हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। दोस्तों, आगे हम देखेंगे
जिस शब्द पर डॉट लगते हैं ना वो वाले शब्द, ठीक है। तो दोस्तों मैंने कुछ अक्षर लिखे हैं वापस, जैसे कि आप जानते हैं कि शब्द के ऊपर जो डॉट लगती है, मैंने आज उसको समझाने की कोशिश की कि वो किस प्रकार से लगती है। स्टेनो में भी हम देखते हैं कि वो कैसे लगेगी। देखिए एक और से, रंग, जहां र के ऊपर डॉट है तो र के ऊपर ही डॉट लगेगी, ठीक है दोस्तों, आगे पीछे और कहीं नहीं लगेगी, ठीक है। संग, तंग, लंका, हाँ, ये देखिए ल के ऊपर डॉट, आ की मात्रा का के साथ में, ठीक है। गय बनाया गंगा, गंडा, ठीक है। इसी प्रकार से लिखे जाएंगे, पतंग, प त ग, त के ऊपर, तरंग, र के ऊपर, गयंत, ग य द, य के ऊपर डॉट, ठीक है। सुगंध, द के ऊपर उ की मात्रा, ब बनाया द बनाया ल, उ की मात्रा, ए की मात्रा के साथ आ की मात्रा जोड़ देंगे हम, बताया था आपको, ठीक है। ता ती या, आ की मात्रा, ए की मात्रा और अ की मात्रा छोड़ दीजिए, ठीक है। इधर देखिए, ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे इसको। चार अक्षरों के और देख लीजिए, पांडुचेरी, चंपारण, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, मैंने इन्हीं शब्दों से कुछ लाइन बनाई है, वो आप देख लीजिए। गैल की सूंड में घंटी, फंदी, ठीक, ठीक है। इसी प्रकार से नीचे और है, मंगलवार को सुरंग का बाद गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका दोस्तों। दो अक्षर, दो लाइनें और बच रही हैं इसकी, उन्हें भी देख लेते हैं। यह है सुंदर जंगल देखने से दुख का अंत होता है, ठीक है दोस्तों। इसे लाइन को अब हम स्तनम कैसे लिखेंगे वो देखिए थोड़ा सा। ये देखिए दोस्तों, मैंने कुछ और लाइन लिखी है।
दोस्तों इन्हें हम स्टेनो कैसे बनाएंगे वो अब हम बताने जा रहे हैं। देखिए सुंदर जंगल देखने से दुख का अंत हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से बंगाल पंजाब वगैरह में चांदी मंदी मिलती है, ठीक है। दोस्तों आज का ये हमारा अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। किसी भी भाई बंधु या किसी भी मेरे दोस्त के पास में अगर जैन लिपि से वो सीख रहा है और उसके पास में बुक नहीं है तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। दोस्तों अपने अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएं और जैन लिपि सर्च कर लें। यहाँ हमारे पूनम सेन जैन गुरु जी हैं, उनकी बुक आएगी आपके सामने, उसे डाउनलोड कर लें। जो भी चीजें हैं वो आपको सारी वहां मिल जाएंगी। और दोस्तों एक और निवेदन है कि अभी तक मैंने आपको बेसिक सीरीज का जितना ही पार्ट पढ़ाया है वो बिल्कुल फ्री पढ़ाया है। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो आप प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आपके तकरीबन 35 चैप्टर तक इसे डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद में जो चैप्टर है उनकी आप प्रैक्टिस करें, घर पे अच्छी प्रैक्टिस करें। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, जो भी समस्या है मैं आपकी फोन पे सॉल्यूशन कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। अगला जो चैप्टर है हमारा उसके अंदर मैं आपको शब्द चिन्ह बताना चाहूंगा, शब्द चिन्ह, ठीक है दोस्तों। शब्द चिन्ह किसे कहते हैं पहले मैं आपको वो समझाऊंगा, उसके बाद में तो जिस भाई ने ये डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से जाकर कृपया कर इसे डाउनलोड करें, वहां से पढ़ें। बेसिक सीरीज का पहला पार्ट हुआ हमारा खत्म, नेक्स्ट पार्ट जो है वो एक दो दिन में अपलोड कर देंगे, वो बेसिक सीरीज का सेकंड पार्ट रहेगा, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी के अंदर कुछ मैं और चीजें हैं वो ऐड करना चाहता हूं, ध्यान देने के बाद दोस्तों ये है कि स्टेनो में कभी हम किसी अक्षर को अगर आधा लिखते हैं तो वो किस प्रकार लिखते हैं वो भी मैं आपको इसी अध्याय में बताने जा रहा हूं, ठीक है। ध्यान दीजिए आप, जब भी शब्द को हमें आधा लिखना हो, आधा अक्षर, ठीक है दोस्तों, किसी भी शब्द को या अक्षर को हमें आधा लिखना हो, ठीक है, शब्द को आधा लिखना, तो हम किस प्रकार से लिखेंगे उसका एक शब्द चिन्ह है, वो शब्द चिन्ह मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हिंदी में हमें लिखना है गुप्त, ठीक है, और काव्य, तो दोस्तों अब हमने यहां पर वै को आधा कर दिया और यहां वै को आधा कर दिया। इसी प्रकार से जब हम स्टेनो में लिखते हैं तो इस प्रकार से ये साइन लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम इसे स्टेनो में लिख करके दिखा रहे हैं, गय बनाया, वै बनाया, तय बनाया, ठीक है दोस्तों। ऊ की मात्रा यहां एक छोटा सा ये वाला साइन लगेगा, अब हम इसे आधा पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए कै बनाया, वै बनाया, ये बनाया, ठीक है। आ की मात्रा काव्य, वै को हमें आधा करना है तो हमें ये वाले साइन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। जैसा कि मैं जानता हूं कि हिंदी में हम दो बार एक ही अक्षर को रिपीट करते हैं, ठीक है, दोहराना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए,